लाल कुआं के बिंदु खत्ता क्षेत्र में बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की 10 सूत्रीय समस्याओं को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बन रही सड़क व गौला नदी के चकबंद में गुणवत्ता विहीन कार्य होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की और साथ ही अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए भी राज्यपाल को ज्ञापन दिया। आज इन लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन के माध्यम से कि जो ये सेंचुरी का पॉल्यूशन है, सेंचुरी में पॉल्यूशन होता है और इस क्षेत्र के लोगों को जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान है और क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोज़गार मिलना चाहिए और जो बिंदु खत्ता में जो सड़क की मात्र लिपापोती का काम चल रहा है और जिसको विकास के नाम से कहा जाता है और लिपापोती करी जा रही है, उनकी जाँच भी होनी चाहिए। जहाँ पे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक लोग ये जाम में फंसे रहते हैं, कई मरीज लोग हॉस्पिटल जाना होता है, इसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर तीसरी मांग हमारी है कि गोला किनारे बसे हुए हटाग्राम से लेकर खुरिया खत्ता तक हजारों परिवार बरसात आते ही बिल्कुल बेघर कटान से बेघर की उसमें तैयारी में बार बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी उच्च क्वालिटी के चकबंद नहीं लगाए गए और नहीं कॉरिडोर में खनन की कोई अनुमति मिली। देवभूमि न्यूज़ के लिए हल्द्वानी से योगेश तुमका।